आदरणीय दर्शक दिन कार्यक्रम सीधा सवाल प्रश्न के बहुत बहुत स्वागत है। आजुक सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि एक सक्रिय युवा या अधिकारवादी कोनो आंदोलन हुए या सामाजिक आंदोलन हुए या राजनीतिक आंदोलन हुए या सांस्कृतिक आंदोलन हुए हर एक में सहभागी और राजनीतिक की विशुद्ध रूप से अपन एक जीवन के अंग बनेने युवा नेता सहित भवेश मिश्र जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम सीधा सवाल में। धन्यवाद। हम सब राजनीतिक और युवा ये दोनों का है एक दूसरे से केना जुड़े छे? एना छे अखन तक के परिपाठी जे छलिया जे राजनीति में युवा के सहभागिता बहुत कम होय छलिया, न्यून होय छलिया। राजनीतिक तो विशुद्ध रूप में सामाजिक सेवा से प्रेरित चीज है, लेकिन अखन के बढ़दो क्रम में युवा सब के सक्रियता, युवा सब के एक जोश उस सब के मद्देनजर रखें जो नेतृत्व पंक्ति में युवा सब के अपना देश में हुए चाहे विश्वव्यापी रूप में युवा सब अग्रसर भ रहा है। ते द्वारे हमारा बुझाइए जो युवा सब के भी संभावना राजनीतिक रूप में अखन नीक है। राजनीतिक और युवा दोनों के जोड़ के बात हम के लिए ये दोनों नेपाल में जोड़ बुझाइए। ओना तो नहीं बुझाई है अखनो बहुत पाछा के अलियन है हर एक पार्टी में हर एक पंक्ति में। युवा के एक वर्गीय संगठन के रूप में मात्र जो आंदोलन में हुए या युवा के क्रियाकलाप के समय में मात्र देखा जाए जे हिसाब से कर्णधार कहे युवा कोई रूप से अखनो नेपाल में स्थापित नहीं कल युवा के राजनीति में। जना वृद्धाश्रम के पार्टी भी है जी यहाँ के जी। हम सब अगर भारतों के बात करी या नेपालों के बात करी तो और युवा सब के एक जनवर्गीय संगठन जना एक महिला के टीम है तो महिला के रख दिल जाए, एक विद्यार्थी के छे तो विद्यार्थी के रख दिल जाए। अ हिसाब से युवा सब के इन्वॉल्वमेंट करे छे और खास करके बेसी प्रयोग करे छे युवा सब आ बहुत अधिकांश प्रयोगो भ जाए छे ई सब केना हटते? एना छे अपने ठीक कह लिए जे प्रयोग के रूप में मात्र युवा सब के अखन तक ले लिए, लेकिन अब 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अखन सारा चीज टेक्नोलॉजी में ढेल गेल छै तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग अखनो युवा सब के हैंड ओवर में छै, हैंड में छै। ओहि हिसाब से वो सब अपन सक्रियता अखने अब अपना सब देश में अन्य सब देश में राजनीतिक रूप में युवा परिषद छलै नेपाल में जस्ट एक महीना पहिने माधव दुनिया जी के नेतृत्व में युवा परिषद गठन भेल यऽ जैसे कि युवा के साझा एक नीति बना के आगू बढ़ के तो हमरा विश्वास बुझाइए जे आब राजनीति में भी युवा सब स्थापित हेतै आ कभी बढ़ते विकल्प के रूप में नहीं छै। किया तो अपनो जना अपने कह लिए जे युवे नेता आदरणीय स्वर्गीय सुशील जी के तरह युवे नेता के रूप में चिन्ह जाए छलिए, अन्य सब भी कहे छै हम युवे नेता छी, तो उ कहावत से आब नहीं चलते। युवा सब के नेतृत्व में लाभ पड़ते जे हिसाब से अखन देश में एक परिपाटी छे जो युवा सबके कहीं बाइक से अवस्था अखन नहीं छे। अब पहले अपने के 16 से 40 उम्र के युवा मानल जाए छे, लेकिन आप अपने के जे से आयु बढ़ गए तो आयु जब बढ़ गए तो आप सरकारों जे से 60 वर्ष पर रिटायर करे तो आप कोशिश करे भारत में जे 65 वर्ष पर ले जाए, तो आप अपने के विचार की जे 16 से 40 छे 40 से 45 कह जाए कि 40 से मानल जाए? नहीं हम तो एजो के बाउंड्री के ज्यादा महत्व नहीं दी छी, युवा तो सोच से होइ छै। अगर कोनो वृद्ध युवा जी का अगर सोच के देश थाकि रहल छै तो उ सराहनीय छै, लेकिन से नहीं देखा पड़े छै। तथापि रिटायरमेंट के बाद से 65 जना छै तथापि अपना सबके देश के हिसाब से एज बैरियर 16 से 40 उहे से होबाक चाही, ओहिमे एक्सटेंड भी होबाक चाही। सब बुझाइए 5 वर्ष बढ़ा देला से घाटा है एकदम घाटा के रूप में तो हमने कहा किया था युवा सब हम कहबे के लिए कहने सोच से युवा होइ छै, लेकिन अवसर के हिसाब से वंचित कयल जाइ छै बहुत जगह। जना 25 बजे अहाँ नहीं पहुँचल अहाँ संविधान सभा के टिकट नहीं लऽ सकै छी, अहाँके बहुत एहन आयोग सब छै जाहिमे अहाँके 25 बरिस नहीं नांगल, अहाँके 40 वर्ष नहीं पुगल तऽ अहाँ नहि आबि सकै छी। तऽ एहि चीज सब में हमरा बुझाइ छै फेर से पुनर्विचार वाला बात होबय के चाही। जब हमसब नागरिक सक्षम भऽ सकै छी, 22 वर्ष में हम अहाँ इंजीनियर भऽ सकै छी, डॉक्टर भऽ सकै छी, तऽ 25 वर्ष में जाके हम नेता बनबै से नहीं होबाक चाही जे हमरा विचार में।
नेता शुरुए से बने के चाहिए एकदम नेता के ओकरा लक्षण छै नेता के रूप में स्थापित भेल छै नेता लीडर छै विद्यार्थी राजनीति आयल छै या युवा राजनीति आयल छै तो ओकरा मौका देल जाए ओहि में एज बैरियर 25 वर्ष या अन्य जे रेस्ट्रिक्शन सब छै राज्य के संयंत्र में ओहि सब में जे फ्लेक्सिबिलिटी चाही से युवा सब के अखन के मांग छै जेना युवा नेता और राजनीति ये तीन टा शब्द छै ये तीनों शब्द अपने के विचार में कतर तालमेल नहीं मिले से नेपाल के परिवेश में युवा राजनीति और नेता अपना सब के देश में कहवे के लिए दक्षिण एशिया में जे बूढ़ा पाखा जे राजनीति में अखन स्थापित हुए छे राजनीति बड़ा मोहित करे वाला चीज होती है एक बार मोह लाग गेल तो छोड़ के सब इच्छा नहीं करे छथिन लेकिन राजनीति में आम युवा के सक्रियता नहीं बढ़ाना के विकल्प नहीं छे देश के लिए अखनो बहुत अच्छी सब युवा सब देखे छे राजनीति में भविष्य नहीं छे मैंने युवा राजनीतिक और नेता तीन शब्द हम करे तीन शब्द में युवा राजनीतिक तो करे मुदा नेता मतलब नेतृत्व के चांस नहीं के बराबर मिले गोटाए गोटाए मात्र धोखा से कहीं कदू लड़ल करल कत अपने की टूट जाए कड़ी एना छे किछ त्रुटि युवो सब में छे ओ हम त्रुटि ए हिसाब से कहलिए जे किछ पेशेंस के कमी छे मान छी अहाँ राजनीति करै छी राजनीति तो बहुत लंबा अहाँ स्वयं प्रयोग में छी तो युवा के त्रुटि की छे राजनीति में तो अगर तीन टा त्रुटि के बात करी तो युवा सब एना छे हम कहि रहल छी जे कनी विचलित भ जाइ छी कतु जाके एक जगह पर जाके हम सुबह में कहलिए पेशेंस चाही हमर लगानी छे देश में हमर लगानी छे पार्टी में तो निश्चित रूप में जेतै मन में की भाई हम तो एतेक दिन लगली एतेक साल भेल लेकिन हमरा इसे उपलब्धि नहीं भ रहा है तो किछ निगेटिव माइंडेड से नहीं हम राजनीति छोड़ब तो हिसाब से भी बहुत युवा सब भ जाए छे ओहन वातावरण नहीं बना सके लीडर जो पार्टी के लोग सब जे नेतृत्व पंक्ति सब तो ये दोनों के समीकरण होक चाहिए युवो सब के पेशेंस बढ़ावे पड़े राजनीति में स्थापित होवे पड़े लड़े पड़े अंतर संघर्ष करे पड़े पार्टी भीतर में हमरा बुझाइए जे मौका अवश्य देवी टा पड़ते एक टा भेल जे पेशेंस को जाना और दूटा कहल जाए और जे अनुभव सेहो होइ छै राजनीति में किछ समय अहाँ जब तक नहि बितेबै अपना में ज्ञान भेलै तऽ किछ अनुभव सेहो काज करै छै मान लीजिए हमसब अखन छी लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम से बहुत अनुभव होइ छै हमसब ओहि जगह पर पहुँचल नहि रहै छी सुनने रहै छी लेकिन ओहिठाम भोगाई के क्रम में नेता सब जे रहै छथिन उनका सब के किछ अनुभव भेला के कारणे ओ सब नेतृत्व पंक्ति में रहै छै तऽ अनुभवो के लेल भी समय के पाबंदी होइ छै एतेक साल लगला के बाद में किछ अनुभव एतै तऽ ओहि सब सब मिला के जे राजनीति में युवा नेतृत्व पंक्ति पर नेता बने तक में एकटा किछ छै स्टेप तऽ हमर कथन ई छल जे ऊपर से नेतृत्व पंक्ति से बैरियर नहीं होबक चाहिए कोनो नीति नियम में बैरियर नहीं होबक चाहिए लेकिन पेशेंस रखे युवा सबके भी आगू बढ़ते तो हमें भाई जे मतलब निश्चित लक्ष्य तक अधिकांश युवा ट्रैक छोड़ दे छे एके टा कारण कहल जाए अधिकांश युवा ट्रैक छोड़ दे छे पॉलिटिक्स में और वो जे है से गड़बड़ा जाए छे कला गड़बड़ा जाए छे एक फिर एगो मूल समस्या के रूप में छे यहाँ के जे राजनीति के पेशा के रूप में तो नहीं राजनीति के लिए अहाँ करबे तो अहाँ के पेशागत नहीं विशुद्ध जो है सामाजिक सेवा के लिए राजनीति तो वह एक कारण है युवा लगे अपन पढ़ाई लिखाई के क्रम में ज्वाइन करके आर्थिक स्थिति बलियो नहीं भ सकैए पारिवारिक स्थिति कमजोर भ सकैए ते दुआरे अखन कि राजनीति में गलत ट्रैक पकड़ पड़ती राजनीति के आड़ पर तो वो फिर गलत राजनीति भ जेतै ते दुआरे ओ टिकट के लिए भी एगो रोजगारी के जे बाध्यता छै ओहि बाध्यता के कारण सेहो युवा सब स्टेबल नहीं हो पा रहल छै राजनीति में अपर लेवल से एक बेर राजनीति में इंट्री कर रहल छै अखन के परिस्थिति में तो ई एकटा विडम्बना के रूप में छै युवा के लेल युवा के सबल एकटा नेतृत्व सफल हुए राजनीतिक में हरेक पार्टी में तै के लिए की करबाक चाही एकटा समन्वय करनाय उचित छै जे अंतर पार्टी युवा सब के एकटा समूह होबक चाही जैसे कि हरेक पार्टी में किया देश के युवा के तो बहुत एहन साझा एजेंडा छै ने पार्टीगत हेतै नीति नियम लेकिन साझा एजेंडा छै ओकर रोजगारी के छै ओकर पढ़ाई के हेतै ओकर खेलकूद के समस्या भ सकैए सब चीज के साझा एजेंडा के रूप में आगा आगा लेकर जाए तो हमरा बुझाइए जे हरेक पार्टी में ओकरा सबके उचित सम्मान हेतै नेतृत्व पंक्ति पर दबाव पड़तै तो ई एकटा समन्वय होवऽ पड़तै दोसर में हमसब बात करी जे अखन लंबा आंदोलन के बाद
मधेस आंदोलन के बाद अखन काठमांडू केंद्रित आंदोलन भ रहल है, वो जस्ट एक जैसे कही सांकेतिक हम सब आंदोलन में छो और हमर सबके आंदोलन जारी है सोच के समय दिल के यहाँ के नेपाली शासक के जना बुझाइए हमरा एहन परिवेश में युवा सबके भीतर की भावना से अहाँ काठमांडू गेल छलिए आंदोलन में काठमांडू से जनकपुर में अलिए युवा सबके भीतर के मन केना बुझाइए वो आंदोलन लंबा आंदोलन से हताश भ गेल है या ओकरा सबके सीना में छाती में आगि धधक रहल है केना बुझाइए। निश्चित रूप में युवा सब अपने के कनी जुझारू होइ छै ओ समय के परखाई नहीं देखा चाहे जाए जे मतलब एतेक लंबा आंदोलन करब से भी सशक्त आंदोलन करी उपलब्धि लाए युवा में होइ छै तथापि आंदोलन के एकटा मोड के रूप में कहियो जे अखन हमसब रिले अनशन में पहुँचल छी एकर ई अर्थ नहीं छै कि जे हमसब ग्राफिकली डाउन भेलिए पहिने सड़क संघर्ष कैली सड़क संघर्ष तखन के बाध्यता रहे किया तो संविधान लागू होबे के अवस्था रहे सड़क संघर्ष के विकल्प नहीं रहे अखन हमसब छी लंबा आंदोलन छै भारत में अपने देखने हेबे सत्याग्रह भेले चाहे अपने के कथी कहै छै असहयोग आंदोलन भेले तो विभिन्न चरण आंदोलन के होइ छै एक अर्थ नहीं होइ छै कि ई आंदोलन भ गेलै फेलवर भ गेलै तहन कलकी से नहि छै ताहि दुआरे एकटा आक्रोश युवा में छै अखनो युवा सब जते अगर मधेश में आंदोलन घोषणा होय तो अग्र पंक्ति में रहतै किछ वार्ता सब छै युवा सब बेसी पलायन भ गेल छै विदेश लेकिन ओहूठम जे छै ओकरा छटपटाह छै मधेश के आंदोलन सफल होय मांग पूरा होय तऽ हमरा बुझाइए जे अभी के समय अनुकूल रिलेशन जे चलि रहल छै समय सापेक्ष ठीक छै किया तऽ छओ महीना के मधेश आंदोलन में बहुत जे पहाड़ से ज्यादा क्षति मधेश में भेलै आर्थिक रूप में जनजाति सब कते जुड़ रहल अपने काठमांडू में गेल छलिए एहि आंदोलन में मधेश आंदोलन में जनजाति के आंदोलन दुनू केना समन्वय भ रहल है। जनजाति के उल्लेख्य सहभागिता छै काठमांडू में भी और की चीज ओहो सब राज्य से पीड़ित शोषित वर्ग छै तो अखन तक हम सब छलिए जे मधेश आंदोलन के ई सब प्रचारबाजी करै छलिए जे भारत प्रेरित छै भारतीय दबाव में आंदोलन कर रहल छै बॉर्डर घेरै छै तो हम सब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के देखाबू के लिए ई जे ई एकटा वर्ग एकटा क्षेत्र के आंदोलन छै समग्र राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में छै ताहि दुआरे हुनकर सबके एकदम सराहनीय भूमिका छै ओहो सब पीड़ित छै हमरा अहाँके साथ में साथ देबऽ के लेल रेडी छै आ हमरा बुझाइए जे एक देश के एकटा वैकल्पिक शक्ति के रूप में छै जे निकास देतै वास्तव में देश में ई शक्ति के लेल अखन के कंटेस्ट में शक्ति एगो विकल्प के रूप में ठाड़ भेल है जनजाति आ मधेशी जे एगो समन्वयकारी भूमिका में आगा बढ़ रहा है एकदम सराहनीय छै। भवेश जी हम सब बात करी जे आंदोलन पर अखन मधेश और मधेशी के देख कर जे आंदोलन चल रहा है हम सब बात करी सिक्के राउत के और दोसर में बात करी अपने सब के अपने लगाए मधेशवादी दल के हम सब बात करी तो एक तरह के तर्क जोरदार जे हमर सब के काठमांडू में भी शासन हुए हम सब नेपाले में रही सिक्के राउत के तर्क है जे मधेश स्वराज जो बात करी छथिन सीधा या जयकृष्ण गोइत के बात छै मधेश स्वतंत्र के बाद कोन मार्ग अपने के वर्तमान परिवेश में मधेशी के लिए उपयुक्त भ सकिए। हमरा बुझाइए सिक्के राव जी के भी एजेंडा अभी भीतरी रूप में बहुत जगह गेलै है गाम गाम में लोग चर्चा पर चर्चा में सिक्के राव ठीक कह रहा छै लेकिन जे देश के जे बनावट छै शुरू से उनका कथन छै जे अलग देश छलै अलग देश होबाक चाही से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अखन संभव जेकरा नहि बुझाइ छै ओ एजेंडा में अगर जाय तऽ क्रूर शासक अखन के छै राज्य के ओ ई एकरा ओना ओ कहै छथिन जे अहिंसात्मक तरीका से हम सब चलि रहल छी गांधी मंडेला के विचार से प्रेरित भऽ के हमसब चलि रहल छी लेकिन राज्य सत्ता अहाँके ओहि नजर से नहीं देख रहा है अहाँ अहाँ जखन कार्यक्रम करै छी तऽ अहाँके अहाँ पर प्रहार होइए अहाँके अरेस्टिंग होइए तऽ मधेशो आंदोलन कोनो उग्र आंदोलन नहि रहै शांतिपूर्ण आंदोलन में जब गोली चला रहा है प्रदर्शन में गोली चला रहा है तो देश टुकड़ाओ के नाम पर हमरा अखन बुझाइए जे बेसी धनजन के क्षति राज्य करा दे सकैए तथापि उनकर सबके जे बात छै जे ठीक छै सोचनीय छै लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमरा बुझाइए जे ओ अखन अनुकूल नहीं छै ठीक छै सब मधेशी अगर बुझ ले जे हिसाब से अपने सब बुझेबै या ओहो बुझबै छै जे बात करै के नाके जे हाथ उठा दे संपूर्ण मधेशी तब की हेतै परिस्थिति। अब जनता तो सर्वोपरि होइ छै अखने क्यों नहीं सोचने छलिए जे यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बेलायत अलग भ सकते से
अखन के परिस्थिति में बहुत आदमी के सोचे में बाध्य कह देने जर निर्णायक भूमिका रही यूरोपीय यूनियन बनाब में जो एक बड़का कड़ी के रूप में ओहिठाम से अलग से कोसोवो स्वतंत्र अपने के जना कि अपने के एयरलाइन के बात करे छी जे हम सब नहीं रहब स्वतंत्र अहिठाम जैसे कि जे हांगकांग कहे छी जे हमरा स्वतंत्रता उठे छे अलग होबे के बात शौक से उठे छी कि मजबूरी रहे छी भविष्य केना छे जे हम देश सब के नाम ले लिए वो आर्थिक रूप में सबल छे अपने के शैक्षिक रूप में सबल छे सारा चीज ओकरा सुख सुविधा छे तो फिर किया तो किया तो स्वाभिमान जो होई छे अपन आत्म स्वाभिमान होई छे अपन जे संस्कृति छे अपन नेपाल में स्वाभिमान बुझाइए बाबूजी नेपाल में स्वाभिमान बुझाइए नेपाल में माने त सर ऊंचा करके जा सके छी से परिस्थिति तो वास्तव में नहीं छे लेकिन हम सब जे अखन के हम कहलिए जे अखन के वर्तमान परिस्थिति अनुसार हम सब ले रहल छी अगर राज्य सत्ता और क्रूर हेते तो ई नहीं कहल जा सकिए जे सीके राउत के जे मार्ग है वो एकदम नाराज छे में जारी नहीं जा सकिए वही चीज हम नहीं कह रहा छी वही परिस्थिति वही बेग के कोई कंट्रोल नहीं कर सके वही बेग के जब जनता सब जाए वही परिवेश में हवा गांव गांव में कनिक बह रहा है जी धीमी गति से की स्पीड में बह रहा है एना छै गति गांव के युवा से लिंक है जी सिक्के राउत के हवा कहीं उड़ रहा है वो धीमी गति है कि बड़ा स्पीड से बह रहा है एना छै वो वहां के कहते जी घूर के आ जाएगा भीतर भीतर सुनि रहा छै किया तो ओकर प्रमुख कारण फिर अखन राज्य सत्ता छे राज्य अगर जे अखन के आंदोलन के सेंटिमेंट छै मांग छै ओकरा पूरा करतै तो किछ हद तक ओहि चीज के जे सिक्के राउत के जे मूड छै मूवमेंट छै ओमे हाथ हेतै अगर राज्य क्रूर बनते जा रहल छै तो सीधा सब बात छै एक दिगी देश पहिने अगर नहियो रहिते मधेश अलग देश तैयो हम सब छूटक लेल मांग करती मधेश के अपन पुराना लंबा इतिहास नहीं रहते तो आई वर्ग के हिसाब से चेहरा के हिसाब से भी हम सब इस देश में नहीं रह से आवाज उठ सके भावेश जी हम सब करी करी अब सीधा सवाल के बिल्कुल अंत में चले जाए अपने साथ सीधा सवाल करब और सीधा सवाल में दू टा ऑप्शन दे कृपया अपने के टा कहल जेते अनुमति तो अपने सब प्रश्न करी जय रूप से आंदोलन मधेशी मोर्चा सहित के और पार्टी सब शुरू कयने छे ई आंदोलन सब मधेशी जनता के उपलब्धि के संभावना बहुत दूर है कि बस अब नजदीक है जे हिसाब से आंदोलन चल रहा है उपलब्धि नजदीक है कि बहुत दूर है हम एकरा के नी एक एक चक्कर में एक बार व्याख्या नहीं कर दिया लोग बुझ जाते सो जे दूर छे जे हिसाब से सोच छे जे उपलब्धि हासिल करे के जे एजेंडा से आंदोलन छे ओय हिसाब से बहुत दूर छे लेकिन आंदोलन सही छे आंदोलन निश्चित रूप में सही छे आंदोलन एक ता अपना हिसाब नजदीक के लिए की करे के चाहिए अब नजदीक के लिए तो एना छे राज्य पर निर्भर पड़े राज्य आगे क्रूर है तो ओय हिसाब से जाय छे बहुत राज्य में तो आगे वोटिंग से आगे अधिकार मिले छे हमरा ई चाहिए बहुत राज्य में तो शासक पर आंदोलन निर्भर करे बड़ा जाय छे संयोजन कत गड़बड़ा जाए नेता सब कत चुप करे छे नेता सब के सुविवेक के कमी है या बड़ा विवेकवान छथिन जे आंदोलन हती छथिन नहीं एना छे के जे अखन के परिस्थिति छे नेता मुखी मात्र भके आंदोलन संपन्न नहीं छे लेकिन नेतृत्व तो चाहिए नेतृत्व बल्लभ भाई पटेल की बात कहां करू या गांधी जी के बात करू जे समय में आंदोलन चले या जयप्रकाश नारायण जी के बात करी तो वो आंदोलन कतेक वेग में रहे नेतृत्व ओहन सबल चाहिए नहीं उन सबल नेतृत्व है अखन नेतृत्व के सवाल में सबल की कही लेकिन नेतृत्व के भी लड़ाई है समन्वय आपस में नहीं देखा पड़े छे बेर बेर बाहर बात अब एक अर्क अस्तित्व स्वीकार नहीं भ रहा है तो अ हिसाब से जनता के लिए घातक है जनता के लिए एकदम निश्चित रूप में घातक है लेकिन एक दबाव बनाव तो पड़ते इहे चीज सब जान बुझ के राज्य सत्ता हमारा के बीच में खेले तो हम हिसाब से जे एगो अखन के परिवेश में भी दबाव मूलक हिसाब से चेतावनी मूलक हिसाब से भी जे विगत के कैल गलती नेता सब अखनो नहीं सुधरते तब विकल्प कहियो खुला रहे छे समय लगते लेकिन विकल्प खुला जिज्ञासा करी नेपाल करीब माने डूबिए गेले सेहो कला से थी माने पूरा डूब के कगार पर पहुंच गेले एकर अर्थतंत्र देखियो 25 वर्ष के एमहर तो तबाह छे देश के आर्थिक क्राइसिस विकास के बहुत एहन बात देखियो जे ऐसे पाछा देश सब बहुत आगड़ी चल गेले हम सब दक्षिणी कोरिया के बात करें दक्षिण कोरिया गरीब रहे 1965 में 90 टन चावल जी नेपाल रहे सहयोग कैने
90 टन चावल सहयोग केना के मतलब नेपाल उस समय में धनिक रहे, दक्षिण कोरिया कते के गाड़ी बढ़ गए, तो नेपाल की बुरा अवस्था पहुंचल में अपने दोष जे दूटा किता से अखन एक मधेशवादी किता और एक खसवादी किता जे देखित होवे सीधा दोष अपने किनका बदे छे जिनका कारण से नेपाल आर्थिक क्राइसिस और नेपाल डूब के कगार पड़े छे। एमे तो मूलभूत रूप में जे राज्य सत्ता में रहले, अब हम एक दीवार कह रहा कि जे मधेशवादी तो जन्म भेला 8-10 वर्ष में लिया, इहे मधेशवादी चेहरा पहले राज सत्ता में रहे समग्र में राज्य में रहनिहार एक दोहन कलक भविष्य में देश कत जैत कोम्हर जा रहा है वही डायरेक्शन के मध्य नजर नहीं करते एक सब जे अल सब डूबित गए होत होत अवस्था ये विभिन्न कालखंड में 50 वर्ष के एक इतिहास में रंग बिरंग के आंदोलन भेले राणा से लेके 50-60 वर्ष में अपने के लोकतंत्र गणतंत्र सबके देखल के ते द्वारे एक स्टेबिलिटी नहीं होवा न कनाए एक विकास के पंचा बाध के एक स्टेबिलिटी राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं होना है बात कहते अब भ्रष्टाचार से हो भ्रष्टाचार के कहियो न्यूस्थान देश में नहीं भेले होत होत अखन भ्रष्टाचार चरम सीमा में है कहला मात्र कहे जे अख्तियार है या अन्य निकाय सब है लेकिन ओकरा पचा लेने से कोनो हमरा जे दवाई खाए छे त किछ काल तक असर करे छे लेकिन वो दवाई अगर अहाँ पचा रहल छी तो वो दवाई के खाद नहीं सीधा सवाल के तेसर जिज्ञासा करी जे जाहि मधेश आंदोलन है छे ई आंदोलन राज्य प्लस नीति होय छे जे ई आंदोलन अपने के राज्य प्राप्ति के आंदोलन है कि बस नीति से संतुष्टि लेवा चाहे छे एमे दुनू छे क्या था राजनीति जखने जुड़ल छे राजनीति सत्ता से जुड़े छे आदमी सत्ता में जाए छे अपना अनुकूल के होय छम जे नीति नियम राज्य मजबूत करे के चाहिए कि नीति मजबूत करे के चाहिए ई आंदोलन अखन नीति मजबूत के लेल बनल गेल छे ई आंदोलन नीति मजबूत भए के त राज्य प्राप्त भए जी एकदम अखन अपने कही जे संशोधन के बात चल रहा है संशोधन तो एक पाटो है लेकिन संशोधन के बाद में 2+ कानून बनवा के वही में अहाँ के अड़ पड़त वही सीधा सवाल के चारिम जिज्ञासा करी भवेश जी मधेशी जनता के भविष्य अपने के विचार में सिक्के राउत के मार्ग पर चलना से है कि तमाम मधेशवादी दल के मार्ग पर एक के कहल जाते एकदम अखन के अवस्था अनुसार कही तो अखन के जारी मधेश आंदोलन ही सही दिशा में है अखन सिक्के राउत जी के अधिकार प्राप्त लंबा चलते कि जल्दी भ जेते अधिकार प्राप्त लंबा चलते और सिक्के राउत पर जल्दी जल्दी हेते कि और दूर जल देते एना छे हम एकरा तब अपने सीधा सवाल में सीधे सवाल सीधे सवाल के छे त अखन के परिस्थिति अनुसार हमरा जे है से कि जे सिक्के राउत के जे अखन जे शैली में अगड़ी बढ़े छथिन वो अखन बेसी घात बिल्कुल अंतिम जिज्ञासा अई में ईमानदारिता के ख्याल कर जती भवेश जी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के युवा सब जी बेसी संभवतः सिक्के राउत पर चर्चा प्रचर्चा बेसी करे छथिन कि मधेशवादी दल के भूमिका पर चर्चा प्रचार बेसी करे छथिन माने भार कोम्हर छै युवा सब के युवा सब के आकर्षण सिक्के राउत प्रति छै एमे कोनो दुमत नहीं छै अगर एक साल पहिने के चीज देखल जाए तो बढ़ रहा है कि घट रहा है अखन ने बढ़े छै ने घटे छै अखन स्टेबिलिटी वर्क तो कर रहा है वास्तव में राउत के युवा सब वर्क कर रहा है वो सब आंतरिक रूप में वर्क कर रहा है हम सब कतो कतो देखे छै वर्क कर रहा है लेकिन कतो ने कतो वो सब फुल्ली रूप में कन्विंस नहीं कर पा रहा है जे मतलब अही लाइन पर चल जाए ठीक है हम कह दिली इहो भ सके कल के दिन में मधेशवादी बिल्कुल अंतिम भवेश जी हमरा बुझाए जे सिक्के राउत के बोली सिक्के राउत के भिजन और जनकपुर में भवेश मिश्र के भिजन भवेश मिश्र के बोली में खासे बेसी अंतर रहे अहू जे बजे छे तो ओहि में दम रहे छे अहू जे करे छे ओहि में तरीका रहे छे लेकिन प्रश्न कत ठार भाई छे अइमे ऑप्शन नहीं दे जी भवेश जी मधेशवादी दल के हिसाब से क्या चले छे कतक कतक बैरियर भ जाय छे भवेश जी के जो तूफानी युवा जे कहे छे अपने के उल्टा करी तो बाई होय छे जो तूफान होय छे रुक नहीं सकी है वो तूफान के कत बैरियर लगा दे छे जे स्पीड कनी कम भ जाय छे अइमे ऑप्शन नहीं दे अपने के लिए मैंने अपने के स्पीड कत कम भ जाय है
स्पीड अपने तब सीख रहे की बात से जुड़ गई हमारा जो हम जे धार पर छी जे हिसाब से लागल छी राजनीति के वो आइडियोलॉजी धार हो के कमजोर नहीं हम कह लिए अपने के लेकिन वो धार बैरियर जगह लगे जरा कमजोर भ जाए छे कत कमजोर होई छे की कमजोरी है कमजोरी जहाँ चाहे छे जनकपुर के दर्शक भी कमजोरी एक नहीं कहियो अलग अलग छथिन उनकर एगो रास्ता शांतिपूर्ण होते हुए भी बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर रास्ता छे कहल शांतिपूर्ण से लेकिन अहाँ कहीं सोचियो बहुत ज्यादा हार्ड लाइन है ना एक देश से दोसर देश टुकड़ावा के मतलब ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है लेकिन भिन्न अपने के बात देवे के होइ छै भिन्न जे होइ छै परिवार में भिन्न वाला शब्द कहै छै जे अलग भ गेले वो बहुत बात देवे होइ छै जब राज्य बुझ लगै छै दोसर दर्जा के नागरिक तब अपने के बात देवे के अलग होवे के कोशिश करै छै तो एना छै उ हम कहू ने जे मतलब राज्य पर डिपेंड करै छै सारा चीज राज्य अगर अही नीति से जे अखन तक विभेदकारी नीति छै त काल हमरा सब जगह लोग भी ओहि धार में जा सकिए एमे कोनो दुमत नहीं छै किया तक कतेक दिन तक युवा सब विभेद सहते त लेकिन अखन के परिस्थिति में कही त अखन ओही परिस्थिति में जाए के स्थिति हमने देखे छी लेकिन विभेदकारी नीति राज्य के रहले त ई 21वीं शताब्दी में कोनो चीज संभव कहल नहीं जा सकिए जी युवा नेता भवेश मिश्र जी आंदोलन के नाते आगू बढ़ाओ युवा सब के नेतृत्व में अपन पकड़ बनाओ अपने कार्यक्रम सीधा सवाल में बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गई बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपना के टेलीविजन टीम के जे हमरा एहिठाम आबि के अपन बात रखे के मौका दिलो ते के लिए फिर से विशेष धन्यवाद आदरणीय दर्शक कार्यक्रम सीधा सवाल के समय समाप्त भ गेल अछि पुनः दोसर दिन दोसर विषय लगकर दोसर हस्ती के साथ हम राम आशीष उपस्थित है अखन के विदा देल जाए प्रणाम।